हाँ तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके स्टीरियो आइसोमर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम्पल है हमारे लिए रोक्सिनिक एसिड, रोक्सिनिक एसिड कॉमन नेम है। आप सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यही है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये रोक्सिनिक एसिड, यानी COOH, COOH, पीएच, पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप, और पीएच फिनाइल ग्रुप। यस, ये टॉक्सिनिक एसिड है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके टोटल आइसोमर्स आप बताएं। ठीक है, तो मुझे बहुत इजीली फील हुआ कि ये इसका कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है। ये चारों कायरल एटम है, तो मेरे पास स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमर्स। मुझे लगा कि मैं यहाँ 2 की पावर 4 लगा दूंगा, यानी कितना लगा दूंगा, 16, जो कि बिल्कुल सही आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री रूल लगेगा, तो दैट इज नॉट ए राइट आंसर। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? हमारे दिमाग में एक ही आएगा, जब सिमेट्री हो तो हम उस अप्रोच को कैसे करें, हमें एक अप्रोच बनानी होगी जिससे इस तरह के सारे एग्जाम्पल किए जाए। समझ में आ रहा है? तो उसी के लिए हम आगे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो इजी वे में बनाने के लिए इसके कुछ ब्लॉक बना लीजिए मेरी तरफ से, फिर कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बता दूंगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जितने जरूरत होंगे हम देख लेंगे। ठीक है, और हर एक COOH को ऊपर रखिए, जल्दी से रखिए। COOH, COOH ऊपर का मतलब टॉप ऑफ द प्लेन, टॉप ऑफ द प्लेन को आप फ्रंट ऑफ द प्लेन भी कह सकते हैं। पीएच, पीएच, समझ में आ रहा है? सारे ऊपर की तरफ रख दिए आपने। ठीक है, अब अगले स्टेप में किसी एक को सीक्वेंस के रूल के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ भेज दीजिए, यानी बैक ऑफ द प्लेन, बाकी सबको सेम डायरेक्शन में। ये काम आपको एग्जाम में बहुत तेजी से करना होगा। सबसे पहले इसको भेजा, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इसको भी भेज दिया आपने, इसको ऊपर रखा और पास वाले को आपने पीछे भेज दिया। COOH, पीएच और पीएच। ठीक है, तो आपको एक बार में अभी सिर्फ एक ही पीछे रखना है, यानी बैक ऑफ द प्लेन। अगली बार किसका नंबर आएगा? इस वाले पीएच का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? यहां पीएच का। तो बाकी सब ऊपर रहेंगे। यस और नो? तो ये हमारे पास आ गया COOH, 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 पीएच। अब हमें यहां पर, अब हमारे पास कुछ और नहीं बन रहा, हमें अब मजबूरी आ गई कि हमें अपना केस चेंज करना पड़ेगा और दो पीछे भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो पीछे भेज दिए हमने। तो जब मैंने दो पीछे भेजना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने ये वाले दोनों को करा COOH, और इन दोनों को फ्रंट ही रखा, पीएच, पीएच। आ रही है बात समझ में? इन दोनों को, अब मैं इन दोनों को बैक में रख रहा हूं। किन दोनों को? इन दोनों को, पीएच। नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों को पीछे रख रहा हूं, अब इसको हटाना पड़, बाकी सब हमारे लिए क्या रहेंगे? सॉलिड, यानी पीएच, COOH, COOH, COOH। और अब हमें इसको सॉलिड रख के
इसको बैक में रखा COOH, और इसके साथ ये रख दिया pH, और ये सॉलिड pH। अब इन दोनों को हमने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या किया, अगली बार इन दोनों को पीछे रख दिया, यानी कि COOH और ये pH, pH और COOH। नेक्स्ट एक और हमारा बन रहा है अभी, और वो क्या होगा, वो हमारा इस तरह से होगा कि COOH, हम COOH pH pH, तो टोटल कितने बन गए हमारे 11। अभी तक क्या दिख रहे हैं हमें, 11। तो क्या ये 11th इसका सही आंसर होगा? नहीं। अगली स्टेप में हमें उनको देखना है जो मेजो है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है? देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल रखता है। तो ये मेजो है, मेजो। और कौन रखता है? क्या ये रखता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? ध्यान से देखना, यहां देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है या नहीं रखता? यस, ये POS है, यानी ये भी हमारा मेजो है। और देखो जब दोनों COOH, क्या ये POS रखता है? बोलो हाँ या ना। pH, बिल्कुल। तो ये भी हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है POS, तो ये भी हमारे लिए क्या है, मेजो। अब उनमें देखो जो मेजो है, क्या वो आइडेंटिकल है? यानी ये और ये, देखो इसको आप पूरा 180 डिग्री पे घुमा दो, तो जब पूरा 180 डिग्री पे कोई मॉलिक्यूल घुमाते हैं, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग जो हमने अच्छे से बात किया है, वो आइडेंटिकल रहता है। तो ये जो दोनों है सॉलिड, जो वैज है वो डैश हो जाएंगे, और जो वैज है वो डैश हो जाएंगे, और जो डैश है वो वैज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या है आपके लिए, डैश। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वैज यानी सॉलिड में, और ये जो सॉलिड है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, डैश में। सॉलिड और वेज का मतलब सेम होता है। या सुनो, तो क्या ये और ये आइडेंटिकल है फर्स्ट एंड लास्ट? बोलो या सुनो। हाँ ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसमें से एक को क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो किसको क्रॉस करोगे आप? किसी भी एक को कर दो, तो ये वाला आपके लिए क्रॉस हो गया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है बात समझ में? ये दोनों मेजो है, सिर्फ मेजो में चेक करना है जो आइडेंटिकल है। तो ये बिल्कुल इसका आइडेंटिकल है, तो ये क्रॉस हो गया आपका। अच्छा तो अब रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। टोटल SI कितने दिख रहे हैं आपको, पूरे आइसोमर्स कितने दिख रहे हैं, 10। मेजो कितने दिख रहे हैं, 2। बाकी के OI यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने दिख रहे हैं, OI यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव कितने दिख रहे हैं, 8। समझ में आ रहा है? और आप थोड़ी और मेहनत करें, ज्योमेट्रिकल कितने मिलेंगे, 6। अब क्लियर है? तो हमारे लिए पॉइंट ये है कि ठीक है सर हमने ये बना लिया, लेकिन हम क्या अप्रोच रखें कि हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को कर सकें। क्यों आपने ऐसा करा? तो मैंने फ्रंट में 4 रखे, फिर एक को बैक में डाला, फिर एक को अलग अलग डालता गया, पहले ये फिर ये फिर ये नीचे वाला फिर ये, फिर दो एक साथ बैक में डालने, ये वाला फिर दो बैक में एक साथ, दिस फिर दिस फिर दिस, ऐसे मैंने डाला। तो यहां तक मैं आ गया इन दोनों को, फिर उसके बाद यहां तक आने के बाद में इन दोनों को बैक में डालना शुरू किया, इन दोनों को। तो ये हमारे पास बैक आ गया ये, और फिर ये, फिर उसके बाद इन दोनों को बैक में डाला। ठीक है, अब तीन को जब मैं बैक में डालूंगा, आपके दिमाग में आ रहा है सर आपने तीन को बैक में क्यों नहीं डाला, तीन को बैक में डालते ही
तीन को बैक में डालते हो और एक वो फ्रंट में डालोगे तो वो वाली चीजें आ जाएगी, तीन बैक और एक फ्रंट, वही वाली केस बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो या चारों को बैक में डाल दो, ये घूमते ही चारों बैक में आ गए, आप देखो होंगे या नहीं होंगे। तो रोटेशन रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे से, और ये सारे हमारे लिए पॉइंट है, और इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जो निकल के आया है, दे आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो करना बहुत आसान है, पहले एक को एक एक करके, फिर दो को, फिर इस तरह से हम करेंगे। या सुनो, तो बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, आप करें इसको। देखो बच्चों, एक और चीज, दो जगह गलती हो रही है, एक तो इस जगह पीएच करना है क्योंकि पीएच पीएच है, और एक जगह यहां पर भी पीएच करना है। अब सही है, ठीक है। और अब बात आती है जीआई की, आपको जीआई समझना है। मेरे लिए एक ये जीआई हो गया, समझ में आ रहा है, ये जीआई हो गया वन, तो ये जीआई हो गया टू, जीआई शो करेगा। हाँ, अब ये और ये आइडेंटिकल है जीआई के लिए, तो जीआई के लिए ये कट गया। फिर उसके बाद क्या ये जीआई शो करेगा, पीछे जा रहा है। हाँ, अब ये कट गया क्योंकि ये और ये उसके लिए जीआई नहीं है। तो अभी तक कितने जीआई आ रहे हैं आपके, तीन। बल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, ये मैं जो है ये आपके लिए क्या नंबर जाएगा, चार जाएगा। जीआई शो करेगा, हाँ दोनों फ्रंट में। क्या ये जीआई शो करेगा, सोच के बोलो, चार, हाँ या ना, करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फ्रंट बैक है और ये 10, तो क्या यहां पर 5 आ गया। अब ये फ्रंट बैक और ये बैक फ्रंट, क्या ये भी जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्रॉस हो गया। क्या ये जीआई शो करेगा, सोच के बोलो, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये करेगा, ये जीआई करेगा। और ये क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो गया, देखो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जैसा कोई और नहीं दिख रहा है, और ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों फ्रंट और ये दोनों क्या है, बैक। कोई ऐसा हो जो ये बैक और ये फ्रंट हो, कौन सा आ रहा है ऐसा, ये बगल वाला ही है, ये दो बैक ये फ्रंट, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जीआई नहीं शो करेंगे, आइडेंटिटी। और ये एक जैसे है, देखो ये दोनों बैक है, फ्रंट आ गया, यानी ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो अब आपके पास जीआई कितने आएंगे, 6, और ओआई कितने आएंगे, एसआई कितने आएंगे, 10, मेजो कितने आएंगे, 2, और ऑप्टिकल एक्टिव कितने आ रहे हैं, 8। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको लिख लो शानदार तरीके से।